नमस्कार, जी बिजनेस पर सैमको द्वारा प्रायोजित सेगमेंट मिशन ईज इंडेक्स में आपका स्वागत है। सैमको ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहां जाकर आप ट्रेड कर सकते हैं और उनके बनाए गए टूल्स का इस्तेमाल करके इंडेक्स से बेहतर रिटर्न कमा सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके इंडेक्स सर रहे रजनीकांत चौहान सर। सर, सबसे पहले आपके शानदार प्रदर्शन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारक। काफी बढ़िया प्रदर्शन यहाँ पर आपकी तरफ से देखने को मिला है। विस्तार से बात करें, इससे पहले मैं दर्शकों को एक बार बता देता हूँ कि जो आपकी प्रोविजनल इंडेक्स की आउट परफॉर्मेंस है ये करीब 18.56% है, 19% के तकरीबन समझ सकते हैं कि आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर आपका देखने को मिला है। और आपकी जो पर्सनल इंडेक्स वैल्यू है वो 94 के करीब है, 93.63 प्रिसाइजली। काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिला सर, ये कंसिस्टेंटली आप कैसे हासिल करते हैं? Yeah, usually I play on momentum only and do some scalping sometimes and I just follow the news. अच्छा, न्यूज़ बेस्ड ट्रेडर हैं, मोमेंटम को पकड़ते हैं और इसी के चलते आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर काफ़ी शानदार देखने को मिलती है और ये दिख भी रहा है। आपकी जो स्क्रीन है इस पर फ्लैश भी हो रहे हैं, आपके ट्रेड्स हम देख भी सकते हैं कि आपने जो है ऑप्शंस के माध्यम से किए हैं और ख़ासतौर पर अगर आप देखें तो स्टॉक ऑप्शंस को आप प्रेफर करते हैं। क्या आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, जो रणनीति आपने बनाई है, इसमें स्टॉक ऑप्शंस ज़्यादा ट्रेड करते हैं आपके इंडेक्स ऑप्शंस भी ट्रेड करते हैं? नहीं, इंडेक्स और स्टॉक दोनों कर रहे हूं। दोनों ट्रेड करते हैं। अच्छा, ऑप्शंस के माध्यम से ही करते हैं कि फ्यूचर्स, प्लेन वनीला फ्यूचर्स यहां पर भी खरीदारी करते हैं आप? नहीं, ओनली ऑप्शन। अच्छा, ओनली ऑप्शंस करते हैं, लेकिन ऑप्शंस में भी क्या सिर्फ बाय साइड की तरफ रहते हैं या फिर आप ऑप्शंस में बिकवाली भी करते हैं, ऑप्शन राइटिंग भी करते हैं? दोनों तरफ होता है। आई यूजुअली फॉलो द अप एंड डाउन। ओके, बोथ साइड हम करते हैं। ओके, तो नेकेड ऑप्शंस करते हैं सर की स्ट्रेटजीज बनाते हैं? नेकेड ऑप्शंस करते हैं और दोनों तरफ, यानी ऑप्शन राइटिंग से भी कोई परहेज नहीं है और अगर ट्रेड सेटअप में बैठ रहा है तो ऑप्शंस खरीदारी भी करते हैं, स्टॉक्स भी करते हैं, साथ में इंडेक्स भी करते हैं और इसी के चलते आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन स्ट्रैटेजी ट्रेडर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कहाँ पर टारगेट बुकिंग हो रही है, कहाँ पर स्टॉप लॉस आपने लगा रखा है, तो ये कैसे डिसाइड करते हैं आप? टारगेट आफ्टर टेकिंग पोजीशन एंड चेकिंग द स्टॉप लॉस पोजीशन रेजिस्टेंस एंड समझा नहीं सर, आप बता रहे कि आप जब पोजीशन लेते हो उसके बाद आफ्टर टेकिंग पोजीशन ऑन द बेस ऑफ द न्यूज आई चेक द रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल। ओके, तो न्यूज के हिसाब से स्टॉक आप चूज करते हैं और उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स भी देखते हैं। यानी एक बात साफ हो गई कि टेक्निकल्स पर भी आपकी पकड़ अच्छी है। हां जी, टेक्निकल्स में सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं कि सर कोई और टूल्स इंडिकेटर्स का भी इस्तेमाल? आरएसआई वगैरह में देखता हूं। हां, न्यूज बेस्ड स्ट्रैटेजी आपकी है और इसी के चलते परफॉर्मेंस यहाँ पर काफी बढ़िया। सर, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, कितने साल हो गए ट्रेडिंग में? ट्रेडिंग तो बहुत लंबे साल से करता हूँ, टाइम से करता हूँ, लेकिन रिसेंटली आई स्टार्टेड अगेन बिफोर आई जस्ट आई वाज़ नॉट। काफी सालों का अनुभव है, फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं सर, इसके अलावा भी कुछ और करते नहीं, हैं? नहीं, ये मैं जस्ट फॉर फन, जैसे शौक क्या तो दो के करता हूँ। शौक में सर काफी बढ़िया प्रदर्शन है, अच्छे पैसे कमा रहे हैं। मैं डॉक्टर हूँ, रेडियोलॉजिस्ट हूँ। हाँ, तो क्या है कि मेरा ड्यूटी का टाइम होता है तो कभी मुझे ऐसा होता है कि टाइम पास के लिए, तो आई डू दैट, बट अभी मैं छुट्टी पे हूँ। हाँ, इसलिए। ओके, तो डॉक्टर हैं आप और जब समय मिल जाता है तब आप ट्रेड कर लेते हैं और छोटे से समय में बड़े मुनाफे आप कमा लेते हैं ट्रेड्स। हाँ, में एक बार बता देता हूं दर्शकों को, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, टाटा पावर है, अदानी एंटरप्राइजेस के ट्रेड्स आपने ले रखे हैं। हाँ, यहाँ पर आप एचपीसीएल बहुत जल्दी एग्जिट कर लिया, नहीं तो कुछ और ही होता। अच्छा। हाँ, ओके, तो क्या ट्रेलिंग स्टॉप्स का इस्तेमाल नहीं करते सर आप? नहीं, वो कल क्या था कुछ मुझे काम था, आई हैव टू एग्जिट अर्ली। ओके, तो मैं जैसे जो मिल गया है वो लेके निकल गया है। ओके, फेयर एनफ सर, समय के ध्यान में रखते हुए आपने यहाँ पर एग्जिस्ट किया, लेकिन उसके बाद भी आप देखें काफी बढ़िया प्रदर्शन और रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिले। शुक्रिया सर जी बिजनेस के लिए अपना कीमती समय निकालने के लिए और दर्शकों से विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, आप बने रहेंगे जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।